ये अनार के दाने ये राउरकेला में कहीं भी नहीं जी, और जो राउरकेला में नहीं है उसको स्टार्ट करने से बहुत अच्छा था। और ये हो गया मीठा चटनी, अच्छा ये हो गया पुदीना धनिया का चटनी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, लखनऊ के चाट किंग नाम तो आपने जरूर सुना होगा, और उनका बास्केट और कटोरी चाट का आप जितना फेमस है आप सबको पता है। सो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं राउरकेला के छेड़ में एक ऐसे चाट वाले के पास जिनका कटोरी चाट खा के आप दीवाना हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ उनका कटोरी चाट का प्रिपरेशन कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, और मैं आपको बताता हूँ उनका लोकेशन क्या है। तो चलिए आइए, मैं आपको बताता हूँ उनका लोकेशन। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है 6 BHS का रोड। आप अगर पानपुर से आ रहे हैं तो यहाँ से 6 में घुस के यहाँ से BHS में निकल सकते हैं। आपको एक लैंडमार्क ईजी पड़ेगा, आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिए चिन्मय स्कूल। चिन्मय स्कूल का अपोजिट साइड ही आपको दिखेगा गोविंद चाट सेंटर, और गोविंद चाट सेंटर में आपको मिलेगा वो फेमस कटोरी चाट। चलिए दोस्तों आइए। मेरे पीछे TPW पावर का जो ऑफिस, और ऑफिस के ठीक बगल में है गोविंद चाट सेंटर। आप अगर BHS से आ रहे हैं तो आपको चिन्मय स्कूल का अपोजिट ये ऑफिस पड़ेगा, और ऑफिस के पास ही ये चाट सेंटर है। पर भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। और आपका नाम क्या है? आकाश पंडित। तो भैया आप कितना साल से ये कटोरी चाट बेच रहे हैं? एक साल हुआ है स्टार्ट किया। अच्छा, एक साल हो गया आप स्टार्ट किए हैं। तो भैया आपका जो कटोरी चाट का जो कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में कि ये चलेगा राउरकेला में? राउरकेला में कहीं भी नहीं जी, और जो राउरकेला में नहीं है उसको स्टार्ट करने से बहुत अच्छा था, क्योंकि बुच्चू चाट बहुत आदमी बेच रहे हैं। हाँ, कटोरी चाट था जो हम देखे राउरकेला, पूरा राउरकेला में कहीं भी नहीं, इसी हम स्टार्ट किए थे। वो तो सही बात बोले भैया। तो भैया कटोरी चाट के अलावा और क्या क्या बेचते हैं आप? समोसा चाट है, पापड़ी चाट है, मीठा गुपचुप है, गुपचुप है, दही पूरी है। दही पूरी भी राउरकेला में, पूरा राउरकेला में नहीं है इसलिए स्टार्ट किए हैं। और भी कुछ कुछ आइटम है जो राउरकेला में नहीं है, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, उसको भी आप लाने वाले हैं राउरकेला? तो ये तो बहुत अच्छा बात है, नया नया आइटम आप राउरकेला में लाने वाले हैं। हमारे जो राउरकेला के व्यूअर्स हैं वो जान के खुश होंगे। सो भैया पापड़ी चाट का प्राइस कितना रखे हैं? 20 रुपया है। और जो कटोरी चाट का प्राइस कितना रखे हैं? 50 रुपीज है। अच्छा, और आप ये बिजनेस आपका है कि आपका पापा का पहले से चला रहे हैं? पापा चला रहे थे। अच्छा, अभी भी चला रहे हैं, हम पापा के हेल्प करने आते थे। अच्छा, आप तो सोचे इसी को हम भी करेंगे। आप धीरे धीरे टेक ओवर कर रहे हैं बिजनेस को, मतलब ये आपका फैमिली बिजनेस है? हाँ, फैमिली। अच्छा, तो पापा कितना साल से ये बिजनेस कर रहे हैं? 35 हो गया। अच्छा, 35 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो भैया आप पहले हमारे व्यूअर्स को अपना जो लोकेशन है थोड़ा बता देंगे? ये हमारा दुकान है 6 कॉलोनी बस स्टैंड के पास, इलेक्ट्रिक ऑफिस के बगल में। अच्छा, और मैं देख सकता हूँ सामने शायद चिन्मय स्कूल है। हाँ, चिन्मय स्कूल भी है बगल में, ये चिन्मय स्कूल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑफिस है बगल में, बस ऑफिस है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो रोड के बगल में ये भैया बैठते हैं, और भैया का जो दुकान का नाम है वो गोविंद चाट सेंटर है ना भैया? गोविंदा चाट सेंटर। तो भैया आप कितना बजे दुकान खोलते हैं? पापा तो अभी गर्मी में थोड़ा शाम को आते हैं, क्योंकि बहुत धूप होता है ना। अच्छा, पापा शाम को ही आते हैं और हम भी शाम को ही आते हैं। अच्छा, तो शाम को शायद 4-5 बजे दुकान खुल जाता होगा। तो शाम रात को कितना बजे तक खुला रहता है आपका दुकान? 9:30 बजे तक। 9 बजे तक खुला रहता है, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रिपरेशन देखते हैं। अच्छा, तो भैया ये आपका कटोरा है? कटोरी है। अच्छा, तो आपको ये कैसे बनाते हैं इसको पहले हम बताएंगे? मैदा और सूजी से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये मैदा और सूजी से बनाते हैं। बनाते हैं। अच्छा, तो चलिए
ये पापड़ी है, पापड़ी है, ये इमली का चटनी है। ठीक है भैया, तो जो समझे। ये पुदीने का चटनी है। सिर्फ पुदीना है कि इसमें मिर्च? पुदीना और धनिया। अच्छा, पुदीना और धनिया का है ये तो अभी से इतना डिलीशियस दिखने लगा है। चाट मसाला, ये जीरा, ये काला नमक, ये दही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से गार्निशिंग कर रहे हैं। चाट हो तो चाट से होना चाहिए। ये भैया सिंपल घुगनी है कि इसमें कुछ मिला है आपने पहले से? मटर है, मटर का घुगनी है। अच्छा, मटर और आलू सिर्फ है? जी, मटर और चना का है। अच्छा अच्छा, और ये आ गया बादाम। किशमिश, काजू। अच्छा, इसका ऊपर इमली का चटनी आ गया फिर से। अच्छा, अरे इसको क्या बोलते हैं भैया, मुरमुरे बोलते हैं ना इसको? नहीं, मुरमुरे नहीं है, ये है मक्का चिप्स है। अच्छा, मक्का चिप्स है। हाँ। ये भैया ऊपर से आपने पापड़ डाल दिया फिर से। पापड़ी हो गया। अच्छा। और ये हो गया मीठा चटनी। अच्छा, ये हो गया पुदीना धनिया का चटनी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर कितना सारा टॉपिंग हो रहा है। ये हो गया नारियल। तो भैया आप पेमेंट कौन सा मोड में लेते हैं, सिर्फ कैश या फिर पेटीएम में लेते हैं? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। अच्छा, मतलब सारे UPI ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये मसाला, ये सेव, ये बूंदी, ये अनार, ये अनार के दाने। करना पड़ रहा ना। हाँ, नहीं ये सही है, अभी कोविड का टाइम में यूजन थ्रो स्पून यूज करना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारा जो कटोरी चाट था वो कैसा अभी लाजवाब दिख रहा है। इसका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा हाथ में आ चुका है, और मैं आप इसको खा के आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और इतना सारा जो स्टॉपिंग हुआ है सिर्फ 50 रुपीज़ है, जो भैया बोले थे इसका कीमत सिर्फ 50 रुपीज़ है। जितना भी बहन चटनी डालता, दही हो गया, पुदीना का चटनी हो गया, मीठा चटनी आ गया, सब का फ्लेवर मेरा मुंह पे आ रहा है, सब का फ्लेवर मेरे को पता चल रहा है। जो नारियल डाला है ना भैया ने, तो ऊपर से आप देख सकते हैं कैसे नारियल डाला है। और सबसे ज़्यादा ये जो अनार के दाने आप देख सकते हैं, ये जो अनार का दाना, एक एक जो फ्लेवर आ रहा है मुंह में। और एक बाइट खा के देखते हैं। दोस्तों इसके सामने 50 रुपया कुछ भी नहीं है, अगर कोई 100 रुपया दे ना तब भी कम है। अब देख सकते हैं जो भैया ने जो डाला है ऊपर से अनार, और एक बाइट लेते हैं। अब जितना नीचे नीचे तक जाएंगे, अंदर जो भैया ने डाला है काजू, काजू और किशमिश का फ्लेवर आप मुंह में आ रहा है। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप आए और इनका जो स्पेशल कटोरी चाट है इसको टेस्ट करें। और आप देख सकते हैं मेरा पीछे इनका दुकान है, जो गाड़ी ने चेक दिया है
वो इलेक्ट्री ऑफिस जो है PPW के इलेक्ट्री ऑफिस का सामने है। अब जब चिन्मतपुर के BSS से जब कलिंग बिहार तरफ जाएंगे अब दुकान मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक खाने के नए खोज में। तो दोस्तों तब तक खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।